स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैग रहित विद्यालय मनाने का निर्णय लिया है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आंसर ए मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में आगामी नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 1 से 12 तक के स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैग लेस स्कूल मनाने का फैसला किया है। यह निर्णय छात्रों के तनाव को कम करने के लिए लिया गया है तथा ये राज्य में संचालित सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। अगला प्रश्न: ट्रेनों में प्री ऑर्डर खाना उपलब्धता के लिए IRCTC ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ए डोमिनोज, बी स्विगी, सी जोमैटो, डी उबर ईट्स। आंसर बी स्विगी। एक्सप्लेनेशन: IRCTC ने अपने ई कैटरिंग पोर्टल के माध्यम से यात्रियों के प्री ऑर्डर फूड डिलीवरी के लिए स्विगी के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के अनुसार जल्द ही देश के कई स्टेशन पर यात्री इसे आसानी से स्विगी से खाना ऑर्डर कर पाएंगे। शुरुआती दौर में ये सुविधा देश के 4 स्टेशन बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशनों पर शुरू होगी। अगला प्रश्न: भारतमाला परियोजना के लिए किस राज्य में 182 किलोमीटर लंबी क्षेत्रीय रिंग रोड परियोजना का विस्तार किया जाना है? ए दिल्ली, बी पंजाब, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। आंसर सी तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन: NHAI ने भारतमाला परियोजना चरण 2 के तहत तेलंगाना के क्षेत्रीय रिंग रोड के 182 किलोमीटर दक्षिणी हिस्से को मंजूरी दे दी है। भारतमाला परियोजना देश में आर्थिक गलियारों, दूसरे देशों की सीमा से सटे इलाकों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के इरादे के साथ साल 2017 से बड़ी एवं चौड़ी सड़कों तथा हाईवे राजमार्ग के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक परियोजना है। अगला प्रश्न: शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ए यूनाइटेड किंगडम, बी इटली, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी फ्रांस। आंसर डी फ्रांस। एक्सप्लेनेशन: प्रख्यात लेखक और कांग्रेस नेता शशि थरूर को मंगलवार को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया है। फ्रांसीसी दूतावास ने एक बयान जारी किया और बताया, सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार भारत फ्रांस संबंधों को गहरा करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता और फ्रांस के लंबे समय से मित्र के रूप में डॉक्टर थरूर के अथक प्रयासों के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न: किस राज्य ने शहरी स्वच्छता नीति शुरू की है? ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। आंसर बी उड़ीसा। एक्सप्लेनेशन: ओडिशा सरकार ने सभी के लिए समावेशी, न्यायसंगत, सुरक्षित और टिकाऊ स्वच्छता सेवाओं के लिए राज्य के दृष्टिकोण को साकार करने के इरादे से ओडिशा समावेशी शहरी स्वच्छता नीति 2024 अधिसूचित की है। इस नीति का उद्देश्य स्वच्छता मूल्य श्रृंखला को परिपत्र अर्थव्यवस्था, सामुदायिक साझेदारी, आपदा लचीलापन, शहरी ग्रामीण अभिसरण इत्यादि की आधुनिक अवधारणाओं के साथ एकीकृत करना है।